अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं जुलेखा अरफात, जुलेखा किचन से। मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोगों की दुआ है ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ चिकन तंदूरी मसा। बड़ा ही मजेदार बनता है, बहुत ही टेस्टी है। आप बनाएंगे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अच्छा, मैंने इसमें कोयले का टांडा नहीं दिया है क्योंकि बैक टू बैक मैंने काफी रेसिपीज बनाई उसमें कोयले का टांडा दिया था, इसके लिए मैं इस वाली रेसिपी में नहीं दे रही हूँ। बट यस, आप चाहें तो चिकन में दे दीजिए कोयले का टांडा या फिर ग्रेवी में दे दीजिए कोयले का टांडा, बहुत ही मजेदार लगेगी। तो चलिए बनाते हैं ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए। अच्छा, यहाँ पर मैंने चिकन की लेग पूरी ली है, आप देख सकते हैं आधा किलो है। आप चाहें तो नॉर्मल आधा किलो के पीसेस ले सकते हैं बोन्स के साथ, या बोनलेस भी ले सकते हैं जिसके मीडियम पीस करा सकते हैं। मैंने ये लेग में आप देख सकते हैं इस तरीके से आगे पीछे दोनों ओर स्लिट मारी है, चर्बी निकाल ली, दो तीन पानी से धो के निकालने के लिए छन्नी पर 10-15 मिनट के लिए साइड पर रख दिया था। अगर आपके पास समय ना हो तो पैट ड्राई कर लीजिए इसे। एक बड़े से बाउल के अंदर 1/3 कप दही डाल दीजिए, गाढ़ी दही, और 2 छोटे चाय के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, 1 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच भुना हुआ पिसा हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा रेड फूड कलर तंदूरी वाला, आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अरे, मैं नमक डालना ही भूल गई, तो मैं यहाँ डाल देती हूँ 3/4 छोटे चाय का चम्मच नमक, आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। डालकर मिक्स कर लीजिए। मैं थोड़ा सा नींबू का रस डाल रही हूँ, समझिए ना आधा टेबल स्पून या 1/4 टेबल स्पून जितना, आप कम या ज़्यादा वो भी अपने स्वाद अनुसार कर सकते हैं। डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जब मिक्स हो जाए ये सारी चीज़ें, तो ये जो हमने चिकन साइड पर धो के ड्राई करके रखी, पैट ड्राई करके, ये इसमें डाल दीजिए और इसे बहुत अच्छे से आगे पीछे मसाला लगा दीजिए हाथों की मदद से। कट्स वगैरह हैं उनमें भी बहुत अच्छे से लगाइएगा। हाँ, वैसे मैंने नमक के साथ साथ उसके बाद में 2 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था और मिक्स किया था मसाले में, लेकिन वो शॉट कैप्चर नहीं हो पाया, माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आप वो डाल दीजिएगा, 2 छोटे चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर मिक्स कीजिएगा मसाले को और फिर ये चिकन के ऊपर लगाइएगा। और अब आप चाहें तो 1 घंटे के लिए मैरिनेट करने साइड पर रख दीजिए, ढक कर फ्रिज के अंदर रख दीजिए। मैं नेक्स्ट डे पकाने वाली हूँ तो मैं इस तरीके से रैप करके इसे फ्रिज में रख देती हूँ, मैं नेक्स्ट डे पकाऊंगी। चलिए, नेक्स्ट डे हो चुका है, ये देखिए कितनी बढ़िया सी मैरिनेट हो चुकी है एक रात में तो। अच्छा, अब एक कढ़ाई के अंदर 1 टेबलस्पून मक्खन डालिए, थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, जब पिघल जाए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल कर ये जो चिकन है ये डाल दीजिए, ये मसाला साइड पर रख दीजिएगा। अच्छा, अब मीडियम आँच कर दीजिए चूल्हे को, ये मसाला मैं साइड पर रख देती हूँ, और इसे है ना हमें मीडियम आँच पर 3-4 मिनट फ्राई करिए। 3-4 मिनट फ्राई हो जाए तो पलट दीजिए, और पलट कर भी मीडियम आँच पर 3-4 मिनट तक इसे फ्राई होने दीजिए। जब पीछे का साइड भी 3-4 मिनट हो जाए तो चूल्हा स्लो आंच करके ढक कर तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पीछे की साइड पकने दीजिए। जब पीछे की साइड 7-8 मिनट स्लो आंच पर पक जाए तो इसे खोल कर इसे पलट दीजिए चिकन के पीस को, और इसे पीछे जो पलटे हुए साइड को भी ढक कर स्लो आंच पर तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकने दीजिए, या दोनों ओर तब तक पकाते रहें जब तक दोनों ओर से चिकन गल नहीं जाती, तब तक। चलिए, दोनों ओर से गल तो चुकी है, मैं फिर से एक बार पलट लेती हूँ कि 1-2-3 मिनट और हो जाए, क्योंकि देखिए कितने अच्छे से लाल हो चुका है ना, ग्रिलिंग इफेक्ट्स आए, तो मैं चाहती हूँ कि पीछे का साइड थोड़ा और भी 2-3 मिनट पक जाएगा और ग्रिलिंग इफेक्ट्स भी आ जाएंगे। चलिए, 2-3 मिनट के बाद ये देखिए बढ़िया से ग्रिलिंग इफेक्ट आ गए ना, तो इसे निकाल कर साइड पर रख देती हूँ। अच्छा, अगर थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो आपकी चिकन के अंदर तो सुखा लीजिएगा मीडियम आँच करके। अच्छा, मैंने चिकन तंदूरी बना ली, जैसे आप देख सकते हैं गल भी चुकी है मेरी चिकन। अच्छा, मैंने तंदूरी में बनाई, आप चाहे तो चिकन के बोनलेस ले सकते हैं, उसके मोटे मोटे पीस करके उसका बना सकते हैं या मीडियम पीस कर सकते हैं, या फिर आप हड्डियों वाली चिकन में भी बना सकते हैं। प्रोसीजर सारा सेम ही रहेगा, कुछ भी नहीं करना है, बस ये पूरी चिकन है, लेग पीस है, आप बोन्स वाली लीजिए या बिना बोन्स के, यानी बोनलेस लीजिए पीसेस वाले, कोई बात नहीं। तो चलिए, क्विकली ये हो चुका है, हम मसाला बना लेते हैं। अब वही कढ़ाई के अंदर ना मैं थोड़ा सा तेल एक्स्ट्रा और डाल रही हूँ, जैसे थोड़ा तो है, थोड़ा और डाल रही हूँ। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और 2 मीडियम साइज़ की छूंदा प्याज डाल दीजिए, और आपने प्याज तब तक फ्राई करनी है फास्ट आंच पर जब तक ये लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, तब तक।
चलिए, जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाती है प्याज, तो यहाँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए और उसे भी फ्राई कीजिए। आपने तब तक फ्राई करना है जब तक कच्चेपन की खुशबू ना चली जाए। जब अदरक लहसुन फ्राई हो जाए तो यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटरों को मैंने पीस लिया है, कुछ भी मिक्सर जार में पीसना है वो डाल दीजिए और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए और चूल्हा मीडियम आंच कर तकरीबन 3-4 मिनट तक ये टमाटरों को बार बार चलाते हुए भूनते रहिए। 3-4 मिनट हो चुकी है, अच्छे से टमाटर भुना गए, आप देख सकते हैं पानी सूख चुका है। चूल्हा मैं स्लो कर देती हूँ। 3/4 या 1 छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए या स्वाद अनुसार डालिएगा। 1/2 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मैं एकदम भर के डाल रही हूँ, कम या ज़्यादा आप डाल सकते हैं। 1 या 1/4 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चाय का चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 छोटा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए। अच्छा, मैंने जो जार में इसको पीसा था टमाटरों को, उसी में ही थोड़ा पानी डाल रही हूँ, चलाकर इसमें डाल दीजिए। तकरीबन 1/4 से 1/2 कप के दरमियान पानी था, मिक्स कर लीजिए। चूल्हा स्लो पर है, ढक कर दम पर इसे स्लो आंच पर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता और मसाला इतनी देर में तो भून जाएगा। चलिए, 4-5 मिनट में तो ये देखिए तेल छूट चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये जो मसाला हमने साइड पर रखा था, वो जो जिसमें हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था, मैरिनेशन वाला मसाला आप डाल दीजिए इसके अंदर। और ये जो पतीली है जिसमें मैरिनेट करके रखा था, उसमें मैं 1/4 कप जितना पानी डालकर चलाकर इसमें डाल देती हूँ ग्रेवी के अंदर, और मिक्स कर लीजिए और इसे फिर से स्लो आँच पर इसे दम पर पकने दीजिए। तो सो दैट फिर से ये सारे मसाले जो हैं एक दूसरे में इन्फ्यूज़ होंगे और जो भी कच्चापन है इनका चला जाएगा, और तेल छूटने तक आपने इसे पकाना है स्लो आंच पर। चलिए, 4-5 मिनट में तो किस तरीके से तेल छूट गया, मज़ेदार भुना गया है 2 बार। तो अब मैं ना 1/3 कप मलाई डाल देती हूँ, फ्रेश क्रीम। अच्छा, ये बाजार की है तो मैंने फेटा नहीं है, आपकी घर की दूध के ऊपर की मलाई है वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसे अच्छे से फेट लीजिएगा। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यहाँ पर मैं 1/2 कप पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे हल्की ग्रेवी चाहिए। 1/2 कप पानी जब आप डाल लेना तो मिक्स करके चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए, सो दैट इसमें एक उबाल आ जाए। अब 1 छोटा चाय का चम्मच कसूरी मेथी सूखी हुई को हाथों की मदद से इस तरीके से क्रश करके डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए। और इसमें जब उबाल आ गया है, देख सकते हैं आप, तो मैं ये चिकन जो तंदूरी बना के रखी है लेग पीस, ये डाल दीजिए इसके अंदर और एक बार उलट पलट कर लीजिएगा चिकन तंदूरी को, सो दैट मसाला दोनों ओर से अच्छे से लग जाए। ये देखिए प्लेट का मसाला भी ले लीजिएगा। तो चलिए, अब एक बार उसे उलट पलट कर दीजिए और इसे स्लो आंच करके 6-7 मिनट तक दम पर पकने दीजिए। तो थोड़ी बहुत भी अगर जो नहीं भी गली वो भी गल जाएगी और थोड़ा मसाला भी अच्छा भुना जाएगा और एक दूसरे में इन्फ्यूज़ होगा। चलिए, मैंने तकरीबन 7 मिनट तक इसे रखा है, 7 मिनट हो गई है। अब मैंने इसे, आप देख सक रहे हो, पलट दिया है, बीच में शायद एक बार मैंने पलटा है इसे। चलिए, 7 मिनट हो चुकी है, चूल्हा बंद कर देती हूँ और खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल देती हूँ। आप चाहें तो हरी मिर्चियाँ भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाली है। अब इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। मैं इसे है ना गर्मा गर्म एक प्लेट में निकाल रही हूँ और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। आप चाहें तो मेरी तरह करें या फिर आप चाहें तो प्याले में निकाल लें और इस तरीके से डेकोरेट कर लें। अच्छा, एक पॉइंट बोल ली थी कि हरी मिर्चियाँ और लाल मिर्चियों का इस्तेमाल अपने स्वाद अनुसार कीजिएगा, काली मिर्च भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, बन चुका है तो मैंने सोचा आपको खा के बता दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ग्रेवी मैं टेस्ट कर लेती हूँ। बहुत ही मजेदार है, उससे वेट ही नहीं किया जा रहा है। मैं तो रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ, आप चाहे तो पराठे के साथ, रुमाली रोटी, बटर नान, खुलचा, किसी के भी साथ सर्व करें। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दी है आप लोगों के लिए, बनाएं, खाएं, खुश रहें, मजा करें। अच्छा, मैं आपको चिकन का भी बता देती हूँ कि चिकन गल गई है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरी तरीके से गल गई है। और चिकन का टेस्ट मैं इस साइड से निकाल के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मजेदार है, मस्त है एकदम, बढ़िया सी रेसिपी बनी है, बनाए घर पे। अच्छा, अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आपने पता है क्या करना है, लाइक कीजिए मेरे चैनल को और मेरी रेसिपी को भी इनफैक्ट, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक्स फॉरवर्ड कीजिए। अच्छा, अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और आपने बनाई हो
मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन एंजॉय चिकन तंदूरी मसाला, बढ़िया सा मस्त।